सेल्फी पॉइंट में सबसे अच्छा लगा, और सबसे पहले मैं आजमगढ़ में तो हूँ बट सब कुछ इतना जानती नहीं हूँ जो आजमगढ़ के बारे में लगा हुआ है, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब जाके उसको पढ़ूँ। मैं भी कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं कि आजमगढ़ में इतनी चीज़ है जो लगा हुआ है, तो उससे भी मैं देख के वो जानकारी लेंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आजमगढ़ महोत्सव में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के जजी के मैदान में। आपको बता दूं कि यहाँ पे आजमगढ़ महोत्सव चल रहा है, आज 16 तारीख है और आज पहला दिन है महोत्सव का, 3 दिन चलेगा। दाहिनी तरफ से आपको दिखा दूं तो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं नगर पालिका परिषद के, और उसके बाद से आगे ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है, और उसके बाद AGF की टीम ने प्रदर्शनी लगाई हुई है। इस महोत्सव में तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ, बच्चों के साथ इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, और इस महोत्सव में एक से बढ़कर एक चीज़ें सेटल की गई हैं, बनाई गई हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, मुबारकपुर की रेशमी साड़ियां हैं, तो निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी है, और साथ ही साथ बता दूँ कि उज्जैन से चल करके आए छाबड़ा जी, जिन्होंने इसे पूरी तरह से कलात्मक रूप दे दिया है इस महोत्सव को। और आप देख रहे हैं पीछे मेरे, अगर मैं पीछे की बात करूं तो पीछे यहां पे आपको गांव की सैर भी छाबड़ा जी ने करा दिया है अपनी कलाकारी के माध्यम से। बेहतरीन यहां पे कॉटेज नुमा उन्होंने 3-4 कॉटेज बनाए हैं जिसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था है, और इसमें भी हो सकता है लेटर ऑन लाइट वगैरह जले, क्योंकि छाबड़ा जी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया इसमें भी लाइट जलेगी। और साथ ही आपको बता दूँ कि ये सेल्फी पॉइंट बन गया है, लोग यहाँ पर आके सेल्फी ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। आप देख सकते हैं कि एक महिला इस वक्त सेल्फी ले रही हैं, तो पूरी तरह से लोग उत्साहित हैं और अलग अलग एंगल में पोज ले रहे हैं लोग, और मज़ा आ रहा है लोगों को महोत्सव में। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं SK दत्ता साहब, उनसे बातचीत करेंगे। दत्ता जी, स्वागत है आपका। स्वागत। कैसा रहा महोत्सव का ये पहला दिन जो चल रहा है? महोत्सव का पहला दिन ही आकर्षण का केंद्र रहा, जो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना वो AGF के टीम द्वारा, जो पौराणिक, ऐतिहासिक और अभी झोपड़ी की बात करते हैं। अभी झोपड़ी की बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इस मेटरलिस्टिक दुनिया में, इस समय जो मेटरलिस्टिक एज है और ये जो भौतिकवादी दुनिया चल रही है, इस दुनिया में लोग फिर से गांव की तरफ वापस लौटने के, छाबड़ा जी ने एहसास करा दिया गांव में, एहसास गांव के तरफ वापस लौटना है और गांव में ही जीवन है। क्योंकि आज दिल्ली जैसा बड़ा शहर या बेंगलोर या मद्रास या कलकत्ता जैसे बड़े शहर पॉल्यूशन से पीड़ित हो चुके हैं, वहाँ कंप्लीट जो है पूरा, ये बड़े शहरों या छोटे शहरों, ये पर्यावरण से जो प्रदूषित हो चुका है। ऐसे में आज सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है कि हम फिर गांव की तरफ वापस लौटे। एक बार देख लेते हैं झोपड़ों की जो बनावट है उसको देख लेते हैं करीब से और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो रंग से रंगोली जैसा कुछ बनाया गया है, वीणा बनाई गई है, और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं ये कॉटेज बनाया गया है, लाइटिंग की ज़बरदस्त व्यवस्था है, और लोग यहीं से अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्लावर पॉट्स भी रखे गए हैं, तरह तरह से इसे सजाया गया है, और लोग यहीं पर अंदर जा करके अलग अलग अंदाज में सेल्फी, एकदम सेल्फी पॉइंट हो चुका है। काफ़ी भीड़ रह रही है यहाँ पे, लोग अलग अलग तरीके से आके सेल्फी ले रहे हैं और इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ और झोपड़ों को भी दिखाना चाहूँगा जो छाबड़ा जी ने बनाए हैं। उज्जैन की ज़बरदस्त कलाकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। उसके बाद से ये देखिए, जिन झोपड़ों की मैं बात कर रहा था, कॉटेज की बात कर रहा था, वो ये कॉटेज हैं जहाँ पे लोग, यहाँ पे भी हमें एक लड़की मिली है जो सेल्फी ले रही है, बातचीत करेंगे उनसे, अगर वो बात करने में के लिए तैयार होते हैं बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा चंदन है, मैं जूनियर इंजीनियर हूँ। जूनियर इंजीनियर है, कहाँ से है? मैं आजमगढ़ से हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़। किस जगह? तो कैसा लग रहा है ये महोत्सव? कैसा लग रहा है ये महोत्सव? में बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत पसंद है महोत्सव में आना होना। स्टार्टिंग में यहाँ पे आया तभी हमने सबसे पहले सेल्फी पॉइंट देखा, हमें सबसे ज़्यादा खुश हुआ कि हम फोटो खिंचवाएंगे। अभी मालिनी अवस्थी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए वेट कर रही हैं। बहुत वेट कर रही हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगा पूरे महोत्सव में? जहाँ भी साज सज्जा हुई है, सबसे अच्छा कौन सा जगह लगा आपको? सबसे
सेल्फी पॉइंट में सबसे अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं आजमगढ़ में तो हूँ बट सब कुछ इतना जानती नहीं हूँ जो आजमगढ़ के बारे में लगा हुआ है, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब जाके उसको पढ़ूँ। मैं भी कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं कि आजमगढ़ में इतनी चीज़ है जो लगा हुआ है, तो उससे भी मैं देख के वो जानकारी लेंगी। आजमगढ़ की एक गैलरी भी लगी हुई है आजमगढ़ के इतिहास को लेकर, जो भी हमारे पौराणिक स्थल है वहाँ भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिल सकती हैं। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ें आप देखे हैं? अभी तो मैं जस्ट आई हूँ, अभी इतिहास का जो कुछ भी है अभी जाके देखूंगी, अभी देखा नहीं। हैंडक्राफ्ट के भी सामान बने हुए हैं यहाँ पे, अभी उसको भी देखूंगी, बहुत ही अच्छा बेस्ट भी बना है। हाँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट अभी देखूंगी, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा ओवरऑल महोत्सव की बात की जाए तो? एंजॉय कर रही हैं? बहुत एंजॉय कर रही हूँ। पेरेंट्स आए हैं, मैं तो जिद करके आई हूँ, पेरेंट्स चले गए, अभी मैं भी देखूंगी सब कुछ, देखा नहीं होगा। देखना बाकी है, माननीय वसी जी का इंतजार करें। तो यहाँ पे ये चल रहा है, दादा आते जाइए, साथ में हम आप लोग को दिखाते जाएंगे कि क्या क्या बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए रंगोली बनी हुई है, और फिर यहाँ पे एक और सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, ऊपर लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः। तो इस तरह की सजावट है यहाँ पे। तो हम घूम घूम के देख रहे हैं पूरा ये जो कॉटेज नुमा एरिया बनाया गया है, डेवलप किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे एक सज्जन हमें मिले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कौशल प्रताप है। कौशल कहाँ से है? जी आजमगढ़ से ही। आजमगढ़ से ही, कैसा लग रहा है? सर हमें तो बहुत अच्छा हुआ, मन प्रफुल्लित हो गया देख कर। खास करके मैं इस एरिया की बात करूँ कौशल, तो क्या कहेंगे इस एरिया के? एकदम बिल्कुल पूरे गाँव का परिवेश बना दिया है। ऐसा हमको लग रहा है कि हम जो कि आज के लगभग 500 साल पीछे हम अपने हमारी यादें हमारे पूर्वज जैसे बताते हैं वैसे हमारे यादें ताज़ा हो रही है, क्योंकि ये चीज़ हमने देखा नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो हमारे मन में एक अलग भाव उत्पन्न हो रहा है। और हम इसके लिए जिला अधिकारी साहब को और इसके जो प्रबंधक हैं उनका मैं बार बार नमन करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था हम लोग के लिए। और भी कोई कार्यक्रम देखा है इस जिले में इस तरह का होते हुए? नहीं सर, हम तो फिलहाल बहुत पहले से यहाँ नहीं रहते हैं, पहले इलाहाबाद रहते थे और दिल्ली में, हम यहाँ आए और इस पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा। और क्या क्या घूमे आप, क्या अच्छा लगा? सर हम प्रदर्शनी में यहाँ देखे जितने साइन लगे हुए हैं पहले के, जिससे यहाँ पे आजमगढ़ में कौन कौन सा स्थल है, जैसे मंदिर हुए, मस्जिद हुए और गुरुद्वारे। सबसे हमें यहाँ सबसे अच्छी ये बात लगी कि आजमगढ़ ऐसा जिला है जहाँ पे यहाँ धार्मिकता नहीं है, यहाँ पे सभी लोग मिल मिला के एक दूसरे भाईचारे की तरह से महोत्सव मनाया जा रहा है। सारे लोग महोत्सव के उत्सव में डूबे हुए हैं। जी जी जी, सारे लोग जी। क्या कहेंगे जिले के लोग? मैं कहूँगा जिले के लोग, बाकी बचे दिनों को मैं यही कहूँगा कि भाई आपस में सभी लोग भाईचारा बना कर रहिए और ये सब जो है महोत्सव का आनंद लीजिए। तो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक सज्जन और हमारे साथ बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह, कब आए आप यहाँ पे, कितना समय हो गया? अभी आए एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया, क्या क्या घूमा आपने? जो कॉटेज नुमा बनाया गया, झोपड़ी नुमा बनाया गया, उसको लेकर के क्या ख्याल है? बहुत पुरानी जो है पारंपरिक चीजें लगी हैं, हाँ। जो पीढ़ियों की थी और हाँ। उसको ज्वलन किया गया, दिखाया जा रहा है, हाँ। बहुत अच्छा जो है। सारे लोग माटी के लोगों का झुंड जो है इसी माटी के खुशबू परिवेश की, ये जो है ग्रामीण जो परिवेश की चीजें, यहाँ झोपड़ी कैसे थी, कैसे उसके बने थे, सब लगाया गया है। जयप्रकाश, कैसा लग रहा है आपको ये जो एरिया बनाया गया झोपड़े नुमा, इसको देख करके कैसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल पुरानी चीज़ें, पहले लोग कैसे रहा करते थे, कैसे घर हुआ करते, कैसे मकान रहा करते थे, वो आज ये सब ये लुक्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लोक कला और लोक परंपरा जिनको लोक पर जिंदा है, जो कहते हैं ना, जो जो क्या करते हैं वो, मतलब जो कल्चरल लोग पहले गरीबी के समय में जैसे घर हुआ करता था, लोग रहा इंजॉय किया करते थे, बिल्कुल वो लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हम लोग जब मीटिंग में थे तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम इस महोत्सव को पूरा लोक रंग में डुबो देना चाहते हैं, गवई परिवेश देना चाहते हैं, ताकि लोग जब आए तो उन्हें अपना जुड़ाव महसूस हो। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, वही चीज़ लग रहा है। अभी हमने देखा जो प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे वो भी लग रहा है कहीं ना कहीं का कल्चर प्रोग्राम ही हो रहा है। धोबिया का रहुआ, बहुत सारे जो गीत लुप्त होते जा रहे हैं उनको वापस लेके आए। जी जी जी, बिल्कुल गांवी परिवेश, बिल्कुल क्षेत्रीय परिवेश, हर क्षेत्र के हिसाब से जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो साहब हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, जजे के मैदान में मौजूद हैं, और यहाँ पर परंपराओं का और सभ्यताओं का, यहाँ पे संस्कृतियों का, सृजनाओं का लोक उत्सव चल रहा है, यानी कि आजमगढ़ महोत्सव चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आजमगढ़ महोत्सव की और भी खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।